हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको एक पूरा का पूरा एक नया ड्राइंग मटेरियल का रिव्यू करके दिखाऊंगी। आपने तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो देखा, लेकिन मैंने भी देखा तो वो सारे बहुत से वीडियो चाइनीज़ पे थी, तो मैंने सोचा कि मैंने तो इसको परचेस किया है तो इसके ऊपर आपको एक कम्प्लीट रिव्यू वीडियो करके दिखा दूँगी कि कैसा पेंटिंग ब्रश है, इसका प्राइस कैसा है, इसका पैकेजिंग कैसा है, सबको मैं आपको डिटेल्स दिखा दूँगी एंड इसको हम किस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं उसका भी डिटेल्स वीडियो मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो की प्लीज फुल वॉच द वीडियो। तो गाइस, फाइनली ये ब्रश कुछ इस तरफ के दिखने को है। तो ये रहा चाइनीज ब्रश, इसको आप कैलियोग्राफी ब्रश भी कह सकते हो। तो इसका साइज नॉर्मल का ब्रश से भी बहुत ज़्यादा है एंड इसके पीछे से तरफ से एक हैंगिंग का एक रस्सी है। इसके इस रस्सी की हेल्प से आप इसको आसानी हैंगिंग करके रख सकते हो। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ये ब्रश। तो इसका ऊपर जो हेयर वाली जो पार्ट है वह पर एक कैप लगी हुआ है। तो कैप कुछ दिखने में इस तरफ का है एंड कैप बनी है बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक से। एंड देखो, ये पूरा मेरा नया ब्रश है, इसके लिए इसके ऊपर एक ग्लू का कोटिंग लगी हुई है एंड इस ब्रश से काम करने के पहले इस कोटिंग को हमें धोना पड़ेगा। मैं आपको डिटेल से पास से दिखा देती हूँ, थोड़ा वेट करो। ये रहा कुछ इस तरफ का दिखने का। तो ये बहुत ही हार्ड है क्योंकि इसके ऊपर ग्लू का कोटिंग लगी हुई है एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पानी से अच्छे तरीके से धोना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं किस तरफ से इसका स्मूथ करूंगी। अगर आपके पास कोई भी नेचुरल हेयर ब्रश का नया सेट आप खरीद देते हो तो आप इसी तरफ से इसको धोना। तो आप देखो, नॉर्मल जो मॉप ब्रश है एंड ये जो चाइनीज मॉप ब्रश और कैलियोग्राफी ब्रश, हम दोनों नाम से इसे बुला सकते हैं, इसका साइज में कितना डिफरेंस। तो ब्रश देखो, ब्रश पकड़ने में बहुत सूटेबल है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पास जो भी ब्रश है बेसिकली ऑयल पेंटिंग के अलावा सभी ब्रश थोड़ा छोटी साइज में है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा साइज में है। एंड मैं आपको इसका जो ग्लू का कोटिंग है उसको पूरा का पूरा धो के दिखा दूंगी। इसके लिए मैंने जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका ही लिया एंड उसके बाद मैं इसको ड्रंक करके थोड़ा प्रेशर के अप्लाई कर रही हूँ। धीरे धीरे, ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना क्योंकि हेयर बेंड हो जाए। थोड़ा थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करके आप अंदर पे देखो, वो ग्लास के पानी के अंदर कितना से स्मूथ हो गया। इसी तरफ से आपको बहुत टाइम से यानी लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे करके धोना पड़ेगा। एंड गाइस, आप देखो पानी के अंदर कैसा दिखने को मिल रहा है एंड जब मैं पानी से बाहर निकल रही हूँ तो हर एक हेयर एक दूसरे के पासों आ जा रही है। तो ये रहा कुछ इस तरफ के, मैं दूसरे वाली को भी इस तरफ से धो लूँगी। मैंने पहले खरीदने के समय ही यानी कि खरीदने के बाद ही एक को मैंने धो लिया एंड आपको दिखाने के लिए मैंने दो ब्रश को नहीं धोया। तो देखो, बहुत स्मूथ हो गया है, यानी नेचुरल हेयर ब्रश के तरह भी स्मूथ हो गया। तो बेसिकली इसको कैलियोग्राफी या चाइनीज वर्क में ही काम करते, लेकिन हम इसे आसानी से वाटर कलर में इस्तेमाल कर सकते। तो वाटर कलर में किस तरफ से इस्तेमाल करेंगे उसके भी वीडियो बनाऊंगी। एंड गाइस देखो, इसका वाटर कैरेज जो कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छा है। अब मैं एक वाटर कलर से इसको दिखा देती हूँ कि ये वाटर कलर किस तरह से काम कर सकते। मैं कोई पेंटिंग नहीं बनाऊंगी, जिस कलर का जो टोन है उसको लगा लगा के आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छी फील हो रही है इस ब्रश से काम करने की। बेसिकली जो हमारा जो पेड़ का जो पत्ता है इसी स्टाइल के काम करने में हमें ये बहुत हेल्प देंगी, ये जो पेंटिंग ब्रश है। यानी कि मॉप ब्रश से तो काम करने के ज़्यादा मज़ा और कोई भी ब्रश में नहीं आते, आप तो जानती होगी। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, कुछ खास भी है इस ब्रश के अंदर क्योंकि इसका जो पकड़ने का जो हैंडल है बहुत सूटेबल है एंड और भी चीज़ बहुत अच्छा है इसके एंड बहुत स्मूथ ब्रश है। आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हो, ज़्यादा महंगी भी नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना कितना प्राइस है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट में ये आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप चाहो तो कोई ऑफलाइन शॉपिंग से भी खरीद सकते हो क्योंकि बहुत टाइम ये ब्रश आपको देखने को नहीं मिलते ऑफलाइन पे, इसलिए मैंने मार्केट में बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन शॉपिंग किया। देखो, एक ही ब्रश से कितना पतला एंड कितना मोटा, दोनों स्टाइल का ही जो लाइन है यानी कलर है ड्रॉ हो सकती है। तो
मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट एक आउटडोर करूँगी। उसके बाद आउटडोर करने के बाद मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहेगा उसके ऊपर मैं एक वीडियो डालूँगी। तो कुछ इस तरह का ब्रश है। और एक बात क्या है, इस ब्रश को धोने के बाद कभी इसको सीधा करके मत रखना, हेयर को जो पार्ट है वो नीचे के तरफ यानी कि ज़मीन के तरफ रख लेना। एंड धोने के बाद इसका जो हेयर है एक दूसरे के तरफ पास करके कुछ ऐसा यानी कि जो इसका जो शेप है उस शेप में रख देना। इससे क्या होगा, ब्रश बहुत दिनों तक अच्छे रहेगी। एंड इसी तरफ से कभी मत रखना, इसी तरफ से रखना, और नहीं तो ब्रश जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉच बात। और गाइज गीला टाइम पे कभी भी कैप मत लगाना, ड्राई होने के बाद ही कैप लगाना। गाइज हर एक ब्रश में जो पार्ट होती है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ। इससे काम करके एक्सपीरियंस कैसा रहता है उसके ऊपर वीडियो जल्द ही आएंगी।